जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। आलू का बैग लगाने लगी हूँ और प्याज का पराठा दही के साथ में बना करके रख दिया है, बोतल भी तैयार कर दिया। लेकिन तन्नू को उधर से गोद में उठा कर लाई, वहाँ पे जाकर फैल जाता है अपने ताऊ जी के पीछे, क्योंकि इसके ताऊ जी आज ड्यूटी नहीं गए ना अभी तक बारिश की वजह से। तो अभी यही है वे, तो इसीलिए उनके चक्कर में आ रहा है। बहुत ज्यादा ये सोच रहा कि वे हैं तो बच जाएगा ये, लेकिन नहीं बचेगा ये, स्कूल जाके रहेगा और अपना एग्जाम भी अच्छे से करके आएगा। और कल मुझे पता मुझे क्या कहता, मम्मी ऐसा नहीं है कि मैंने हिंदी में कुछ नहीं किया, मैंने थोड़ा बहुत किया है बहुत थोड़ा बहुत किया है। तो कल मुझे इसकी बात ऐसी आ रही थी कि तो ये क्या कह रहा है, थोड़ा बहुत किया है, हिंदी में थोड़ा वीक है ये, थोड़ी दिनों में हिंदी भी इसकी अच्छी हो जाएगी, धीरे धीरे टाइम लगेगा बच्चे को, क्योंकि एक साल गया नहीं था बिल्कुल भी स्कूल में। और बैग लगाने लग रही हूँ, जल्दी जल्दी तैयार करो मम्मी इसे, बस इधर जाने का जरा सा भी मन नहीं है, है ना मानिका? उसको उठाओ, स्कूल भेजना है, जल्दी तैयार करना है, कपड़े पहना के चलो। देखो सो रहा है, देख अभी देख लाड भी करेगी, उठाएगी भी। हाँ ये ऐसे उठ नहीं रहा है, लाड से उठेगा सर, लाड करने से भाई उठता नहीं। छोटो उठो, अनुका तो जाओ स्कूल, है ना? भाई नहीं उठ रहा, इसका लाल कलर। उनको भैया उठ जाओ, उनको भाई उठ जाओ। भाई भी कह दिया, नहीं उठा। अच्छा अब क्या करे, देखो हंस रहा है अंदर अंदर, हंस रहा है, उठा हुआ तो है, ये एक्टिंग कर रहा है उठने की, वाने का हंस रहा है ना, हंस रहा है वाने का भी मस्ती आ गई है। वो स्कूल न जाने का बहाने बता रहा है, भाई साहब स्कूल क्यों नहीं जाना आज, जैकेट पहन के जाएगा बारिश की वजह से, जब बस में जाएगा बैठ कर तो जैकेट की क्या जरूरत है। और एक बात और कह रहे थे कि अगर एक दिन स्कूल में जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। भाई साहब आज पेपर है, पेपर छूट जाएगा तो क्या होता है आप बताओ? कुछ भी नहीं होता, फेल हो जाते हैं, उसी क्लास में रह जाते हैं, फिर उसी क्लास में पढ़ना पड़ता है दोबारा से, पेपर छूटते हैं तो कुछ भी नहीं है। चाहे कितनी बार पढ़ो एक क्लास में ना। तो कन्नू का जो है अभी जाने का मन नहीं हो रहा है और टाइम हो गया इसका स्कूल जाने का, और आज वाने का भी हेल्प कर रही है इसको तैयार करने में। वाने का भी नहीं कह रही कि भाई तैयार हो जाओ, उठ जाओ चलो, बस बैठी हुई है और नमकीन खा रही है, वरना वाने का बहुत हेल्प करती है इसको तैयार करने में। हैं आज फ्रेंच फ्राइज नहीं बना के दी आज इसकी मम्मी ने इसको। आज शादी के बाद पहली बार आई है मेरे मामा की लड़की रितु, और काफ़ी देर हो गए हमें बैठे हुए, इनको शादी में जाना है इसलिए यहाँ से निकलने लग रहे। मैंने कहा थोड़ी देर तो बैठ लो, बच्चे हैं इसके बहुत ही प्यारे प्यारे, यहाँ पे एक ये है और एक वो है, वो बाहर भाग गया, बहुत ही क्यूट से है दोनों के दोनों बच्चे का, पूरा मन लग रहा खेल रहे जब सारे, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगी है और हम कूलर के सामने साढ़े नहीं यहाँ पे बाहर ही खेल रहे थे। बाय बाय बच्चों, बाय 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 करो, बाय टाटा। पैंट ले ली लाल लगी, अच्छा मैं एक पोलोथीन दे रही हूँ उसमें लेके चली जाना है, ये तो वहाँ है बैग है वहाँ से, ठीक है बाय, ठीक है बाय रितु। हाँ आ जाएंगे, अनिका गैस साफ कर रही है, आज मेरे से गैस साफ करना रह गया था क्योंकि है ना मैं जब तोड़ने बैठ गई थी, बाद में खाना वाना बनाया, फिर एक दो रोटी बनती रहती है ना, बार बार बनती रहती है, पिताजी बहुत लेट आए थे तो कपड़े वपड़े सारे के सारे उतार के यहाँ पे रख दिया, अब इनकी तय बनाऊँगी। और इधर अभी बोर भी आ गया, आज डॉक्टर के पास गया था, ये इसकी चाचा जी इसकी ट्रीटमेंट करा के लाया, अल्ट्रासाउंड करवाया और फिर डॉक्टर के यहाँ पे लेके गए चंद्रशेखर के यहाँ पे, तो बताया डॉक्टर ने कि पथरी है अभी छोटी है और अभी दवाई से ही निकल जाएगी। मेरी जो पथरी थी ना वो भी दवाई से ही निकल गई थी, मेरे तो गुर्दे में दो पथरी थी,
तो जमे तोड़ करके यहाँ पे रख दिया है, और कुछ मैंने डाल दिया है उसमें डिब्बे में, क्योंकि जमे बहुत सारे हो जाते हैं दोपहरी से पहले दोपहरी के बाद में। बर्तन बर्तन साफ करके यहाँ पे रख दिए हैं, और इधर वो तो गैस साफ कर रही है और ये दोनों उसकी मजाक ले रही। हाँ, और बता रहे कभी ये साफ करवा रहे, कभी ये साफ करवा रहे, अपने आप तो पंखे के हवा बैठे दोनों के दोनों, और उस पर काम करवा रहे मेरी की तरह। मैं भी काम करती रहूँ ना, इस तरह वो भी काम कर रही, दीवार साफ कर दे। अब दीवार साफ करने में लगा, आधे बेटा तू भी पंखे के हवा में बैठ जा, आइए मेरा बेबी, आ जा रहा मेरा बेबी, मेरा बेबी, मेरा लड्डू, मेरा पेड़ा, आ जा मेरी गोद में, आ जा बेटा, मैं कर लूँगी काम तो सारे। नहीं नहीं मैं कर लूँगी काम, नहीं मैं करूँगी काम, आइए मेरा बच्चा, गर्मी में भी मंडरा मेरा लड्डू, तो आ जा। तो जी आज मेरे मामा जी की लड़की आई थी, बहुत ही अच्छा लगा उससे मिलकर, और हम पहले तो है ना बहुत मस्ती करते थे वहाँ पे, जब अपने मायके में रहती थी ना मैं, तो सबके सब जैसे हम मेले में जाते थे, पास में इनका गांव पड़ता था, तो उनको है ना वहाँ से बुला लेते थे, तो और वहाँ पे है ना समोसे वगैरह खा करके आते थे। बहुत ही अच्छा लगा आज उससे मिल करके, और बहुत गप्पे लड़ाए हमने वहाँ यहाँ पे बैठ गए एक घंटे तक। वैसे मैंने कहा उसको जब भी आएगी अब आगे से टाइम निकाल के आना, क्योंकि आज तो उसको शादी में जाना था, तो मेरी टू कॉपी है वो बिल्कुल, जिस तरह हम हंसते रहते थे ना वो इसी तरीके से हंसती रहती थी हमें ऐसा, और मेरी शादी में भी एक महीना पहले आ गई थी घर पे, तो बहुत ही अच्छा लगा उससे मिलकर आज आगे में, बहुत ही अच्छा लगा। और कमेंट हमारे पास में इतने सारे आ रहे हैं ना, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आपको बहुत बहुत बधाई हो, तो सबसे पहले तो उस चीज के लिए धन्यवाद जो आप बधाई दे रहे हो ना, तो उसके लिए धन्यवाद, हमारे नए घर के लिए आपकी बहुत ब्लेसिंग आ रही है, तो ये उसके लिए बहुत बहुत बड़ा थैंक्स आपका सभी का, जिसमें आप सब हमारे सब्सक्राइबर है। नहीं बेटा पापा नहीं आए, कल्लू भी आ गए बाहर से पापा को देखने के लिए, पापा नहीं आए हैं, पापा प्लॉट पे रह गए, अभी प्लॉट पे काम करने लग रहे हैं, ठीक है अब हम भी थोड़ी देर में जाएंगे चाय पानी लेकर के, चलेगा मेरे साथ में, एक घंटे रुक के आओगे आप, ठीक है। और बस बहुत ही अच्छा लगा कि कमेंट अच्छे आ रहे हैं, और कुछ ऐसे भी आ रहे हैं कि आपने अंशी को 20 और अंशी को और वाणी को 20 या 30 रुपए क्यों दे दी, 51 रुपए में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, आप तो मेरे 20,000 रुपए देने चाहिए थे, एक चॉकलेट भी नहीं आती, 30,000 रुपए देने चाहिए थे, तो ऐसा तुझे कुछ नहीं है, 20-30 हजार क्या शादी करेंगे, अब लड़की शादी के लायक हो रही है, तो सारे पैसे उसको दे करके वेस्ट थोड़ी ना कराने हैं, उसके लिए भी कुछ बचा करके रखना है, और मकान तो हम देखेंगे वहाँ पे, नहीं हाँ कन्नू के लिए भी, कन्नू भी पूछ रहा है मुझसे, तो शादी में काफी पैसे, 20-30 हजार रुपए मेरे काम नहीं चलेगा, 4-5 लाख रुपए तो लगेंगे ही, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं होने वाला है, आके उसको कुछ नहीं देंगे, देते नहीं उसको कुछ भी, देते हैं टाइम टाइम से देते हैं रक्षाबंधन पे, जैसे और जैसे भैया रक्षाबंधन की तैयारी, जैसे वो नोट रहते हैं जब दिए 500 रुपए, तो ऐसे नहीं है कि देते नहीं है, देते रहते हैं, लेकिन जिस टाइम पे जितने अवेलेबल होते हैं इतने दे देते हैं, रक्षाबंधन को 6 लाख रुपए 6 लाख रुपए उसकी शादी में दे दिए, तू अभी देने लायक भी नहीं हुआ, बच्चे का दिल देखो 6 लाख रुपए लेगा रक्षाबंधन में, शादी में दे दिया उसकी है ना 6 लाख रुपए, शादी हो जाएगी बढ़िया, ठीक है जी, तो लड़का देख रहे हैं उसके लिए, कभी अच्छा लड़का मिलेगा तो शादी कर लेंगे, 6 लाख कह रहे 6 लाख रुपए शादी में उड़ा दोगे सच में, अरे कुछ नहीं उड़ाने वाला, तो मुझे बता तू कहने वाला है 6 लाख रुपए का, तो तुझे पता भी नहीं कितने होते हैं 6 लाख रुपए, मैंने नहीं देखे आज तक 6 लाख रुपए, तुमने देख लिए, अरे यार 6 लाख रुपए एक साथ मैंने आज तक नहीं देखा सच में, मैंने भी देख लिए, इसने देख लिए, अब बताओ कैसे कैसे फोन में गिन के देख लिए, हां फोन में तो गिन के देख लिए, तो कहते हैं।